हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। पूरा देश इस समय कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में एक ओर जहां देश के ज्यादातर लोग घरों में बैठकर लॉकडाउन को सफल बना रहे हैं, ऐसे में कुछ सामाजिक संस्थाएं कोरोना वॉरियर्स की सेवा में तन मन धन से जुटी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गगरेट स्थित राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास के सेवादारों की, जो कोरोना वॉरियर्स व जरूरतमंदों को खाना उपलब्ध करवाने में दिन रात निस्वार्थ भाव से जुटे हुए हैं। राधा स्वामी सत्संग ब्यास द्वारा उपमंडल गगरेट व अंब में संचालित सत्संग घरों गगरेट, चलेट, जो, जवार, पृथ्वीपुर, रायपुर, बबेहट द्वारा हिमाचल में प्रवेश करने वाले अनेक जरूरतमंद लोगों एवं मालवाहक वाहनों के चालकों, सुरक्षा कर्मचारियों, अस्पताल, राजस्व विभाग, सफाई कर्मचारियों व जरूरतमंद प्रवासी लोगों को खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास डेरा गगरेट के सचिव महेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में कर्फ्यू व लॉकडाउन के चलते डेरा ब्यास के आदेशानुसार SDM गगरेट विनय मोदी के माध्यम से पिछले दिनों अम्बोटा, दौलतपुर चौक कॉलेज, परमार इंटरनेशनल स्कूल के अलावा अब क्लोज स्कूल में चल रहे क्वारंटीन केंद्रों में 3 वक्त का खाना प्रशासन के माध्यम से दिया जा रहा है। राधा स्वामी सत्संग घरों में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों जैसे सफाई, सोशल डिस्टेंस आदि का भी कड़ाई से पालन किया जाता है। वर्तमान में इन सत्संग घरों में प्रतिदिन 1500 लोगों को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की व्यवस्था की जा रही है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी सत्संग घर के सेवादारों के प्रति संकट के समय में सेवा भाव को देकर बहुत आभार प्रकट कर रहे हैं। राधा स्वामी सत्संग ब्यास द्वारा संचालित अनेक सत्संग घरों जैसे गगरेट, चलेट, जो, ज्वार, पृथ्वीपुर, रायपुर, बवेड़ से हिमाचल में प्रवेश करने वाले अनेक जरूरतमंद लोगों एवं मालवाहक गाड़ियों के चालकों, सुरक्षा कर्मियों, अस्पताल, राजस्व विभाग, सफाई विभाग में कार्यरत कर्मचारियों तथा कुछ प्रवासी लोगों को भी ताज़ा खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी प्रकार पिछले दिनों अम्बोटा स्कूल, दौलतपुर चौक कॉलेज, परमार इंटरनेशनल स्कूल और अब क्लोज स्कूल में चल रहे क्वारंटाइन केंद्रों में 3 वक्त का खाना स्थानीय प्रशासन के माध्यम से दिया जा रहा है। राधा स्वामी सत्संग घरों में सरकार द्वारा जारी निर्देशों जैसे कि सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का भी कड़ाई से पालन किया जाता है। वर्तमान में इन सत्संग केंद्रों से प्रतिदिन लगभग 1500 लोगों को ब्रेकफास्ट, हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए गगरेट से देवेंद्र सिंह।